गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पादप वृद्धि एवं परिवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ा, कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा जो कि प्लांट्स के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, कुछ हार्मोन्स जो हैं बढ़ाते हैं और कुछ जो है वो संदमित करते हैं या कम करते हैं। इस प्रकार प्लांट का ग्रोथ जो है वो रेगुलेट होता है और एक नियंत्रित तरीके से ग्रोथ होता है। आज हम पढ़ेंगे दीप्तिकाजिता के बारे में, फोटोपीरियडिज्म क्या होता है। पुष्पी पादपों में निश्चित समय तक काई की वृद्धि होने के बाद पादप जनन अवस्था में प्रवेश करते हैं। कोई भी पादप हो, जैसे पुष्पी पादप है, खास करके यहाँ पे हम पुष्पी पादपों के बारे में बात करेंगे। एक बीज से अंकुरित होकर पौधा बड़ा होता है और फिर मैच्योर होकर अपने जनक पौधे के समान अवस्था को प्राप्त करता है, तब वह रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है और उसमें पुष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, मतलब कली निकलना फिर पुष्प खिलना, ये जो है वो प्रारंभ होता है। ये सभी पौधों के लिए अलग अलग होता है, सीजनल पौधों के लिए अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग वेदर, लाइट की मात्रा इस पर जो है वो इससे प्रभावित होती है। कुछ पौधे जो हैं वो साल भर पुष्पन की क्रिया करते हैं तो उनके लिए वैसी कंडीशन होता है। पादप के कायिक अवस्था से पुष्पन अवस्था में प्रवेश अनेक कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें से एक प्रमुख कारक प्रकाश की अवधि अर्थात दीप्तिकालिता है। ठीक है, दीप्तिकालिता का अध्ययन जो है वो गार्नर और एलार्ड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था और वे अपने प्रयोगों के द्वारा, रिसर्च के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पुष्पन को प्रभावित करने वाला क्रांतिक कारक, क्रिटिकल फैक्टर, प्रकाश काल की अवधि होती है। निश्चित प्रकाश काल की अवधि में ही पौधे जो है पुष्पन की क्रिया कर पाते हैं। दिन की वह लंबाई जो पौधों में पुष्पन के लिए अनुकूल हो और दिन की अपेक्षित लंबाई अथवा अपेक्षित दीप्तिकालिता यानी अपेक्षित प्रकाश की मात्रा के प्रति पौधे की अनुक्रिया को ही दीप्तिकाल कहते हैं। अन्य परिभाषा के अनुसार प्रकाश तथा अंधकार अवधियों के अंतराल के प्रति पौधों की अनुक्रिया को दीप्तिकालिता कहा जाता है। ठीक, दीप्तिकालिता अनुक्रियाओं के आधार पर पौधे को जितनी उसको प्रकाश की मात्रा की आवश्यकता होती है उस आधार पर उनको भिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है। जैसे सबसे पहला है अल्प दीप्तिकाली पादप या लघु दिवस पादप, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे पौधों को निश्चित क्रांति काल से कम अवधि में दीप्तिकाल उपलब्ध होने पर पुष्पन करें, है ना, मतलब कम समय के लिए इनको लाइट की मात्रा की आवश्यकता होती है, तब इनको लघु दिवस पादप या अल्प दीप्तिकालीन पादप कहा जाता है। शॉर्ट डे प्लांट SDP, जैसे गन्ना है, डहेलिया है, ये सब, है ना। दीर्घ दीप्तिकाली पादप या दीर्घ दिवस पादप, वे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए क्रांति दीप्तिकाल से दीर्घ अवधि का दीप्तिकाल आवश्यक होता है, मतलब लंबे समय तक प्रकाश की आवश्यकता होती है, उनको दीर्घ दिवस पादप या लॉन्ग डे प्लांट्स LDP कहा जाता है, जैसे पालक, मूली, चुकंदर, ये सब। ठीक है, और नेक्स्ट है तटस्थ प्रदीप्तिकाली या दिवस उदासीन या निरपेक्ष पादप, नाम से ही पता चल रहा है ना, डे नेचुरल प्लांट्स DNP। वे पौधे जो लगभग सभी संभव दीप्तिकालों में, माने चाहे दिन की लंबाई प्रकाश की कम हो या ज्यादा हो, ये पुष्पीकरण कर सकते हैं, इनको दिवस उदासीन पौधे डे नेचुरल प्लांट्स कहा जाता है, जैसे कि टमाटर है, ककड़ी है, कपास है, ये सब। दीप्तिकाल का अनुभव पत्तियां करती हैं, क्योंकि प्रकाश का उपयोग जो है वो पत्ती ही प्रकाश संश्लेषण के लिए करती है। परिपक्व पत्तियां दीप्तिकाल के लिए युवा और वृद्ध पत्तियों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। दीप्तिकालिता में पत्तियों में पाया जाने वाला जो फाइटोक्रोम होता है, फाइटोक्रोम एक तत्व है, एक अणु, केमिकल अणु, है ना, मतलब जो पत्तियों में पाया जाता है, वर्णक है ये, पिगमेंट्स है, ये प्रकाश का अवशोषण करता है और पुष्प के निर्माण करने वाले हार्मोन्स जो कि फ्लोरीजन होता है इसका संश्लेषण करता है। ये दो चीजें याद रखना, एक तो पत्तियों में क्या पाया जाता है दीप्तिकालिता के लिए प्रकाश के अवशोषण के लिए, फाइटोक्रोम, ये वर्णक है, पिगमेंट है,
और दूसरा पुष्पन के लिए जिम्मेदार हार्मोन फ्लोरेजिन है। तो इसे कहते हैं फोटोपीरियडिज्म। नेक्स्ट आता है बसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन क्या होता है। अनेक पौधों में पुष्पन की क्रिया पर उचित दीप्ति कालों के अतिरिक्त तापक्रम का भी गहरा प्रभाव पड़ता है ना, मतलब दिन की एक निश्चित लंबाई तक उनको प्रकाश भी चाहिए और टेम्परेचर भी अनुकूल चाहिए। कम तापक्रम पर पौधों में पुष्पन की क्रिया प्रारंभ करवाने को ही बसंतीकरण कहा जाता है। बसंत की ऋतु में टेम्परेचर कम रहता है और इस कम टेम्परेचर पर एक निश्चित लंबाई का जो दिन की जो लंबाई है उसकी जो प्रकाश है उसमें पुष्प जो है वो पुष्पन की क्रिया करते हैं, इसे ही बसंतीकरण कहा जाता है, वर्नेलाइजेशन कहा जाता है। पौधे के तापक्रम के प्रति व्यवहार का सबसे पहले अध्ययन लायसेंको ने चावल की दो किस्म, शीत किस्म और बसंत किस्म पर किया था। एक वर्षीय पादपों में पुष्पन पर प्रकाश का मुख्य प्रभाव पड़ता है और तापमान का प्रभाव जो है वो सेकेंडरी होता है। द्विवर्षीय पादपों में स्थिति भिन्न होती है, इसमें प्रथम वर्ष केवल कायिक वृद्धि होती है माने पौधे का जो ग्रोथ होता है और इसमें पुष्पन जो है वो दूसरे साल में होता है, द्वितीय वर्ष में होता है। पुष्पन से पूर्व इन पादपों का शीत ऋतु के भिन्न तापक्रम में उपचारित होना आवश्यक है, मतलब जब पौधा अंकुरित होकर पुष्पन के लिए तैयार होता है इस बीच में एक समय ऐसा होना चाहिए जिसमें टेम्परेचर कम हो। बसंतीकरण में जो टेम्परेचर होता है बसंत के समय में उस वो टेम्परेचर से गुजरना इनको जरूरी होता है। यदि द्विवर्षीय पादपों को निम्न तापमान नहीं मिलता तो इनमें रिप्रोडक्शन का प्रारंभन नहीं होता है। जैसे गेहूं को सर्दी में बोया जाता है लेकिन फल या दाने जो है वो गर्मी में काटे जाते हैं, परंतु कुछ गेहूं की किस्में ऐसे भी हैं जो बसंत में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है। यदि सर्दी में गेहूं के बीजों को कम तापमान पर कुछ समय तक रख दिया जाए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और बसंत में बोया जाए तब वे भी गर्मी में फल दे सकते हैं, मतलब वो टेम्परेचर उनके लिए जरूरी है। तो इसलिए वर्नेलाइजेशन के क्रिया के दौरान बीजों को कम टेम्परेचर पर रखा जाता है या नवोद्भिद पौधों को निम्न तापक्रम 1 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है और फिर इसके प्रभाव से इनकी वृद्धि जो है वो त्वरित हो जाती है और उसमें पुष्पन भी जल्दी से हो जाता है। इस प्रभाव का अध्ययन गेहूं, चावल और कपास में किया जाता है। संभवतः पत्तियों में हार्मोन्स के समान कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो बसंतीकरण को नियंत्रित करते हैं, यानी कम टेम्परेचर जो चाहिए उसको नियंत्रित करते हैं। इस अज्ञात पदार्थ को वर्नेलिन, वर्नेलाइजेशन से पदार्थ का नाम बना है वर्नेलिन। वर्नेलिन पुष्पन की क्रिया को प्रारंभ करने वाले हार्मोन्स फ्लोरिजन का पूर्वगामी या कहना चाहिए प्रोसेसर है। तो शीतकालीन पादक को कम तापमान में रखकर वर्नेलिन दिया जाता है जिससे कि इसमें हार्मोन्स फ्लोरिजन बनता है और पुष्पन की क्रिया होती है। पौधों के भ्रूण तथा विभाज्योतक शीतन उपचार के ये ग्राही अंग हैं। बसंतीकरण से पौधों में कृषि संबंधी कई उपयोगी परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसकी सहायता से पौधों के कायिक काल को कम करके उनमें समय से पूर्व पुष्पन को प्रेरित किया जा सकता है। ठंडे तापमान के बाद एकदम अधिक तापमान देने से बसंतीकरण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस क्रिया को अवसंतीकरण, डी वर्नेलाइजेशन कहा जाता है, किंतु फिर से अधिक ठंडा तापमान देने पर वो फिर से बसंतीकरण उत्पन्न हो जाता है। तो आज हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।